हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 3 का गुजराती विषय पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप आज आप गुजराती विषय निकालेंगे अपना, तो देखेंगे हम पार्ट 3 आधा पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 हम पेज नंबर 24 तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम पार्ट 3 के आगे का पढ़ेंगे। तो देखो, प्रश्न नंबर 8 है, शब्दों वाचो। तो शब्दों वाचो, यहाँ पे ये हमको जो शब्द दिए हैं वो पढ़ने हैं। तो क्या करना है, इनको पढ़ने हैं। तो देखो, ये क्या है, म घ, तो यहाँ पे म ग। फिर क्या है, र के आगे आ की मात्रा है, तो राब राब। फिर छाब, आ की मात्रा ऐसी मात्रा होगी तो क्या होगी, आ की मात्रा होगी, तो राब छाब। फिर क्या है, का तर, इसको क्या पढ़ेंगे, आ की मात्रा के शब्द हैं, तो का तर। फिर का बर, और फिर वासद, इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। फिर देखो, नदी, इसके ऊपर रसवई है, तो नदी। फिर इस पे मीना, बकरी, इस तरह से हमको ये शब्द पढ़ने हैं। देखो आगे, रेस, देव, दादर। फिर रेत, एक की मात्रा है, तो रेत, सेव, तेर। फिर सागर, मैदान, नीमा, इस तरह से हम ये शब्द पढ़ेंगे। चलो प्रश्न नंबर 9, वाचो अने लखो। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको लिखना भी है और पढ़ना भी है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, बेस, तो यहाँ भी बेस लिखा है। यहाँ क्या है, कर, तो हम यहाँ पे देख के लिखेंगे कर। अब यहाँ क्या है, बेसे, तो हम यहाँ लिखेंगे बेसे। जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे का वैसे आपको देख के लिखना है और पढ़ना भी है। तो बेस, तो बेस, कर, तो कर, मन, तो मन यहाँ पे लिखना है, नम, तो नम यहाँ पे, जैम, तो यहाँ पे जैम लिखना है, बेसे, तो सामे बेसे लखवानु, हवे करे, तो करे लखवानु, मान, तो मान लखवानु, नाम, तो नाम लखवानु, तेम, तो तेम लखवानु। अब देखो, बेसे छे, तो बेसे छे यहाँ पे बेसे छे लिखना है। फिर यहाँ करे छे, तो यहाँ पे लिखना है, मने, नमे, अने केम, जो शब्द ये दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके सामने की लिटी में ही आपको ये शब्द शब्द लिखने हैं। अब देखो, प्रश्न नंबर 10 है, सूचना मुजब करो। सूचना मुजब आपड़े यहाँ का ये करना है। तो देखो, एक नंबर में क्या है, क सोधी गोल करो। तो जहाँ जहाँ पे हमको क दिए हैं वहाँ वहाँ पे हम गोल करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है, क दिया है, तो ये क, कमल का चित्र है, तो क मल, तो यहाँ पे क दिया है, तो हम क्या करेंगे, क। फिर यहाँ पे क्या है, कलम, तो ये क्या करेंगे, कलम, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये क्या है, कातर और कान, तो ये आ की मात्रा आ जाती है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब ये देखो दूसरा, ब सोधी गोल करो। तो देखो यहाँ पे ब देखेंगे हम, ब देख के गोल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ब त क, तो ये करेंगे ब। फिर ये क्या है, बड़द, ये क्या है, बड़द, तो ये बड़द हो गया। फिर ये क्या है, बरणी, ये हो गया बरणी। फिर ये क्या है, बारी, तो हम ये बारी पे नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे ब तक, बड़द, बरणी और बारी, तो बारी पे आ की मात्रा है, तो हम नहीं करेंगे, तो इस तरह से ये करना है। अब देखो यहाँ पे तीसरा नंबर है, असोधी ने गोल करो। तीसरा नंबर है, असोधी ने गोल करो, तो अ देख के हमको गोल करना है। तो देखो ये क्या है, अजगर। फिर क्या है, आग गाड़ी, तो आग गाड़ी के ऊपर हमको नहीं करना है। फिर ये क्या है, अरीसो, तो अरीसो के ऊपर करना है। फिर क्या है, आगियो, तो इस पे हमको नहीं करना है। अब जो चौथा नंबर है, छ सोधी ने गोल करो। छह सोधी ने गोल करो, तो ये हम छ के ऊपर गोल करेंगे। ये क्या, छतरी, ये क्या है, छवि, क्या है, छवि, तो छवि के ऊपर करेंगे। फिर क्या है, छत्र, तो छत्र के ऊपर करेंगे। और ये क्या है, छत, तो छ के ऊपर करेंगे। इस तरह से हमको आ की मात्रा के शब्द दिए हो वहाँ पे नहीं करना है, जहाँ पे छ दिया है, अ दिया है, उनके ऊपर ही हमको करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 11, चित्रों ने तेना साचा शब्दों साथे जोड़ो। चित्रों ने तेना साचा शब्दों सामे जोड़ो, तो आ शू छे, कळस, क्या दिया है, तो कळस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कळस के सामने, देखो ये रहा कळस, तो यहाँ पे हम करेंगे कळस। फिर ये क्या है, बड़द, क्या है, बड़द, तो हम यहाँ देखेंगे बड़द, इस पे जोड़ेंगे बड़द। अब ये क्या है, कमल, क्या है, कमल, तो ये हम यहाँ पे करेंगे
कम ल, ये क्या है? अजगर। तो हम यहाँ पे करेंगे अजगर के सामने। हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 12 है, वाक्य वाचो अने लखो। प्रश्न नंबर 12 है, वाक्य वाचो अने लखो। तो ये क्या है? आ बा छे। एक नंबर में शू छे? आ बा छे। तो हम यहाँ लिखेंगे आ बा छे, ऐसे। फिर दो नंबर है, बा काम करे छे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बा काम करे छे। तीसरा नंबर है, आ राजा छे। तीसरा नंबर क्या है? आ राजा छे। तो यहाँ लिखेंगे आ राजा छे। चौथा नंबर, आ कानन छे। तो यहाँ लिखेंगे आ कानन छे। फिर पांचवा नंबर, कानन रमे छे। तो यहाँ लिखेंगे कानन रमे छे। अब देखो प्रश्न नंबर 13, समान शब्दों जोड़ेंगे। क्या करेंगे हम? समान शब्द दिए हुए हैं, इनको हम जोड़ना है। प्रश्न नंबर 13 है, इसमें समान शब्दों को हमको जोड़ना है। तो देखो हम इसको जोड़ेंगे। पहला क्या दिया है? द्राक्ष दिया है। क्या दिया है? द्राक्ष। तो द्राक्ष को द्राक्ष के सामने जोड़ेंगे। फिर क्या है? सेतुर। सेतुर को सेतुर के सामने जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या है? फालसा। तो फालसा को फालसा के सामने जोड़ेंगे। फिर क्या है? अनानास। तो अनानास को अनानास के सामने जोड़ेंगे। फिर क्या है? दाड़म। तो दाड़म को दाड़म के सामने जोड़ेंगे। इस तरह से हमको ये करना है। अब देखो नीचे प्रवृत्ति दी है, फलों शाकभाजी ने करियाणा की दुकानों की मुलाकात लो, त्या तमने मलती वस्तुओं की तमारी नोटबुक में यादी बनाओ। यानी कि आप करियाणे की दुकान पे जाते हैं, वहाँ आपको क्या क्या मिलता है उस सब की यादी बनानी है। तो दाल चावल चीनी ये सब है, वो सब लिखने का है आपको नोट में। और फलों की यादी भी बना देनी है। सेब है, सफरजन है, ऐसा सब मिलता है, उसकी यादी भी आपको बना देनी है। और देखो प्रश्न नंबर 2, नीचे ना चित्रों में रंग पूरो अने नाम लखो। नीचे के चित्र हैं तो नीचे क्या दिया हुआ है? अपने हिंदी में बोलते हैं बैंगन, गुजराती में बोलते हैं रिंगण। क्या बोलते हैं? रिंगण। तो ये रिंगण का चित्र है, तो इसके अंदर आपको कलर भरना है। और यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे रिंगण। रिंगण इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बैंगन। और हम यहाँ पे रिंगण लिखेंगे, गुजराती में रिंगण बोलते हैं। तो रिंगण लिखेंगे और ये आपको जैसा बैंगन का कलर कैसा होता है वही कलर आपको इसमें करना है। तो आपको एक बार मैं फिर से समझा दूँ। चलो प्रश्न नंबर 8 में है, शब्द पढ़ो। तो शब्दों को पढ़ना है। तो मग राब छाब कातर काबर वासद नदी मीना बकरी फिर रेस देव दादर फिर रेत सेव तेर फिर क्या है? सागर मैदान नीमा। इस तरह से हमको ये पढ़ना है। अब देखो 9 नंबर है, वाचो ने लखो। तो इसको लिखना भी है और पढ़ना भी। तो देखो बेस तो बेस, कर तो कर, मन तो मन, नम तो नम, जैम तो जैम, बेसे तो बेसे, करे तो करे, मान तो मान, नाम तो नाम, तेम तो तेम, फिर बेसे छे तो बेसे छे, करे छे तो करे छे, मने छे तो मने अँ लखवा, नमे तो अँ नमे लखवा, ने केम तो अँ केम लखवा। अब 10 नंबर है, उसमें क सोधी सूचना मुजब करना है। क सोधीन गोल करो। तो ये देखो क कमल नो क छे तो अँ क करवानू, क कलम नो क छे तो क करवानू। अब कातर और कान के ऊपर तो आएगा नहीं तो वो रहन देने का। चलो अब ब सोधी ने गोल करो। तो ब के ऊपर करना है, फिर बड़द ऊपर करना है और बरणी ऊपर करना है, तो बारी के ऊपर नहीं करना है। फिर देखो आगे तीसरा नंबर, अजगर, फिर आग गाड़ी पे नहीं करना है, अरीसों पे करना है, फिर आगरियों पे नहीं करना, आगियों पे नहीं करना है। फिर देखो चौथा नंबर, छ सोधी ने गोल करो। तो छतरी, छतरी पे करना है, छवि पे करना है, छत्र पे करना है और छत पे करना है। इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर देखो चित्रों ने तेना साचा शब्दों साथे जोड़ो। तो देखो पहले क्या है? कलश। तो कलश के सामने करेंगे। फिर दूसरा है बढ़त, तो बढ़त के सामने करेंगे। तीसरा है कमल, तो कमल के सामने करेंगे। चौथा है तो अजगर, तो अजगर के सामने कर देंगे। इस तरह से आपको ये जोड़ देना है। तो ये कलश दिया है तो सामने कलश लिखा है, कलश, इस तरह से पढ़ना भी आपको। फिर ये क्या है? बड़द। तो यहाँ लिखेंगे बड़द, तो यहाँ बड़द करेंगे। फिर ये क्या है? कमल। तो कमल, यहाँ कमल लिखेंगे।
ये क्या है? अजगर। तो यहाँ अजगर इस तरह से लिखा हुआ है, आपको पढ़ पढ़ के इसको सामने में जोड़ना है। अब प्रश्न 12 है, वाक्य वाचो ने लखो तो देखो। एक नंबर आ बा छे, तो यहाँ आ बा छे। दूसरा नंबर आ बा काम करे छे, बा काम करे छे। तीसरा है राजा, आ राजा छे, तो यहाँ लिखेंगे आ राजा छे। चौथा है आ कानन छे, तो यहाँ लिखेंगे आ कानन छे। पांचवा है कानन रमे छे, तो कानन रमे छे। इस तरह से हमको ये लिखना है। अब 13 नंबर समान शब्दों जोड़ो। तो देखो यहाँ द्राक्ष है, तो द्राक्ष के ऊपर जोड़ा है हमने। अब सैतुर, तो सैतुर के ऊपर जोड़ेंगे। फिर फालसा, तो फालसा के ऊपर जोड़ेंगे। अनानास, तो अनानास के ऊपर जोड़ेंगे। दाड़म, तो दाड़म के ऊपर जोड़ेंगे। इस तरह से हमको ये जोड़ना है। अब यहाँ क्या है, प्रवृत्तियों में क्या है, नीचे ना चित्रों में रंग पूरो अने नाम लखो। तो नीचे का चित्र आपको किसका चित्र है, बैंगन का चित्र दिया हुआ है। तो आप बैंगन का चित्र दोरा हुआ है, उसमें आपको यहाँ पे जामली कलर भरना है। यहाँ हरा भर देना और यहाँ पे जामली कलर भरना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिंगण। मैंने लिख दिया रिंगण, तो आपको देख के लिख लेना है। खाली यहाँ पे हरा कलर है और यहाँ पे जामली कलर। इस तरह से आपको ये बैंगन का चित्र पूरा करना है। तो बच्चों आज मैंने आपको पेज नंबर 25, 26 और 27 ये तीन पेज नंबर कराए हैं। तो आपको सद्य पोथी में ये तीनों पेज को भरना है और कंपलसरी ही भरना है। कभी भी आपकी सद्य पोथी स्कूल में मंगाई जा सकती है और चेक भी करेंगे। तो इस तरह से आपको ये पाठ 3 तक आपको कंप्लीट कर देना है। सद्य पोथी में आपको पाठ 3 तक पूरा कर देना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।